भगवान कहता है तू अपनी मुश्किलों का जिक्र सबसे ना कर, मैं बैठा हूँ ना तो फिक्र मत कर। दोस्तों मैं पुनीत बिष्ट आज लेकर आया हूँ आपके लिए 80 यार्ड्स में 2 BHK फ्लैट, वो भी 2-साइडेड ओपन, जिसमें एक साइड मिल जाती है आपको यूटिलिटी बैल्कनी और एक साइड मिल जाता है आपको फ्रंट बैल्कनी का व्यू। दोस्तों ये प्रॉपर्टी राजपुर खुर्द एक्सटेंशन में होने वाली है। राजपुर खुर्द एक्सटेंशन में काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको इस लोकेशन के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पे मैं खड़ा हो रखा हूँ। दोस्तों ये मेरे राइट साइड में जो रोड है ये आ रही है आपकी गौशाला रोड, जो छतरपुर मेन रोड से कनेक्ट हो रही है। ये रोड आपको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से भी कनेक्टिविटी देती है, जो मेरी लेफ्ट साइड में है। आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में पूरी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी होने वाली है। और ये रोड जो आप राइट साइड में मेरे देख रहे हैं, ये रोड आपको एम्स हॉस्पिटल, CBI रेजिडेंशियल और CIC कैंप से कनेक्ट करता है। और दोस्तों मेरे राइट साइड में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लिए रास्ता जा रहा है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का कैंपस का मेन गेट आपको इस साइड पे मिल जाता है, और यही रोड फ्यूचर में जाके इग्नू मेट्रो स्टेशन को भी कनेक्ट करेगा, गोल्डन लाइन मेट्रो से कनेक्ट करेगा, जो 1 से 1.5 साल में स्टार्ट होने वाली है। और दोस्तों वहीं से आपको साकेत की कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है बहुत जल्द। दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मेन रोड से अप्रॉक्स 500 मीटर की दूरी पे होने वाला है, और अगर मार्केट की बात की जाए तो 50 से 100 मीटर की दूरी पे ही आपको जो लोकल मार्केट है वो मिल जाती है, रामचंद्र मार्केट पे। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों प्रोजेक्ट हमारा 2 BHK का है, जो ईस्ट फेसिंग प्रोजेक्ट होने वाला है, और फ्रंट रोड जो होने वाली है इस प्रोजेक्ट के बाहर की वो 25 फीट की होने वाली है। मैं प्रोजेक्ट के बाहर जाके भी आपको फ्रंट साइड का रोड दिखाऊंगा, वहाँ से एलिवेशन भी दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट के बारे में सारी जरूरी जानकारी भी शेयर करूंगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, DTC बसेस, शेयरिंग ऑटो, प्राइवेट कैब्स, ग्रामीण सेवा, सब आपको मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करती है, येलो लाइन छतरपुर और कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से, जिसका डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर का होने वाला है आपके प्रोजेक्ट की जो मेन रोड है वहाँ से। सारा शेयरिंग ऑटो आपको कनेक्ट करता है मेट्रो स्टेशन के लिए। दोस्तों डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको लोकेलिटी बता दी है, आपके एलिवेशन की जानकारी मैं प्रोजेक्ट के बाहर दूंगा आपको, और जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है एक प्रोजेक्ट को ब्रीफ करने के लिए वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। अब चलते हैं सीधे अपने प्रोजेक्ट के बाहर, वहाँ मैं आपको एलिवेशन दिखाऊंगा और प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू दूंगा और फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ के बारे में बताऊंगा, और प्रॉपर्टी का टाइटल भी आपको वहीं शेयर करूंगा। तो बिना देर के सीधे चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। दोस्तों अब आ चुके हैं हम अपने प्रोजेक्ट के बाहर, और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपके जो प्रोजेक्ट होने वाला है उसके आगे की फ्रंट रोड किस साइज़ की होने वाली है। दोस्तों 25 फुट की फ्रंट रोड आपको मिल जाती है आपके बिल्डिंग के बाहर की, और ये बिल्डिंग आपको ईस्ट फेसिंग मिलने वाली है, यानी कि आपको काफ़ी अच्छा, यानी कि सुबह की जो धूप होती है वो मिलने वाली है। बिल्डिंग का एलिवेशन एक बार दिखाना चाहूँगा आपको, काफ़ी सिंपल एंड सोबर आपका एलिवेशन रखा गया है, और वाइट कलर का पेंट इस पर करके दिया जा रहा है, जो इस पर ग्रिल वर्क आप देख पा रहे होंगे बैल्कनी में ब्लैक कलर का MS का करके दिया गया है। अब चलते हैं हम अपनी पार्किंग की तरफ। दोस्तों पार्किंग में अभी काम चल रहा है, मैं यहीं से आपको पार्किंग बताना चाहूँगा। 2 बड़े बड़े गेट आपको पार्किंग में दिए जा रहे हैं, जिससे आपकी गाड़ियाँ ईजिली पार्किंग के अंदर आ सकें और बाहर भी जा सकें। और इस पूरी पार्किंग में आपको ग्रेनाइट फ्लोरिंग मिलेगी, डेडिकेटेड वॉल आपको मीटर की मिलने वाली है, चाहे इस वॉल पे मिले चाहे उस वॉल पे मिले, मगर आपको डेडिकेटेड वॉल मिलेगी, और आपको पार्किंग से ही कनेक्ट करेगा आपका स्टेयरकेस और लिफ्ट का एरिया। दोस्तों आप सीधे चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। दोस्तों अब आ चुके हैं हम अपने फ्लैट के बाहर, और सबसे पहले मैं आपको लॉबी का स्पेस दिखाना चाहूँगा। काफ़ी एम्पल स्पेस आपको लॉबी में मिल जाता है, और एक फ्लोर पे आपके 2 फ्लैट होने वाले हैं, यानी कि 2 फ्लैटों का गैप भी काफ़ी अच्छा मेंटेन करके दिया जा रहा है इस बिल्डिंग में आपको। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने फ्लैट के अंदर। फ्लैट के अंदर जाते ही सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस डोर के बारे में। दोस्तों आपको एक फ्लश डोर दिया जा रहा है आपके एंट्रेंस पे, जिस पे पॉलिश वर्क बिल्डर आपको करके दे रहे हैं डार्क ब्राउन कलर का, और जो उसका चौखट वर्क भी है वो भी काफ़ी हैवी और डार्क ब्राउन कलर में ही दिया गया है, और डोर का कलर भी आपको डार्क ब्राउन ही दिया जा रहा है, जिसपे आपको SS के हैंडल प्लेस करके दिए जाएंगे। दोस्तों अब एंटर करते हैं हम अपने हॉल के अंदर, और ये इस फ्लैट का ड्राइंग डाइनिंग एरिया होने वाला है। अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 16x10 का ये साइज़ होने वाला है आपके ड्राइंग डाइनिंग एरिया का, जिसपे फॉल सीलिंग वर्क आपको बिल्डर करके दे रहे हैं। जितने भी फिटिंग फिक्सचर्स होने वाले हैं, स्विचेस होने वाले हैं, वो सारे ब्रांडेड होने वाले हैं, वायरिंग ब्रांडेड होने वाली है। और ये स्पेस पर्टिकुलर एक एम्पल स्पेस जो है आपको आपकी वार्डरोब के लिए दिया जा रहा है, पूजा जो टेम्पल कहते हैं वो बना सकते हैं, और इस वॉल पे आप TV पैनल यूनिट बना सकते हैं, आपकी वायरिंग्स वगैरह सब कुछ आपको जो केबल की वायरिंग होती है, जो DTH की वायरिंग होती है, वो भी बिल्डर इसमें करके दे रहे हैं आपको। तो सीलिंग लाइट्स बिल्डर की तरफ से आपको इंस्टॉल करके दी जाएंगी इसमें, और इसमें आप प्लेसिंग कर सकते हैं, यहाँ पे अपने डाइनिंग टेबल की प्लेसिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना एलकॉर्नर सोफा प्लेस कर सकते हैं इस लोकेशन पे, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हॉल से निकल के चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। अभी ये प्रोजेक्ट थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, 1-2 महीने में फिनिशिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तब इसकी एक्चुअल लुक निकल के आएगी फ्लैट की, मगर फ्लैट रजिस्ट्री में 2 BHK के बहुत कम होते हैं और बनते बनते ही सोल्ड आउट हो जाते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी हम आपको दिखा रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में ही। अभी किचन में लाइट्स लगी नहीं, मगर आप स्पेस देख पाएंगे, काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें आपको मिल रहा है।
टाइल वर्क बिल्डर ने कर दिया है, आपका जो ओवरहेड स्टोरेज है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, दोनों तरफ मिलने वाला है, चिमनी का स्पेस आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, आपका जो सिंगल बाउल सिंक है आपका इस लोकेशन पे लगा के दिया जाएगा, नीचे भी आपके आटा ड्रम्स राइस ड्रम्स के लिए काफ़ी अच्छी स्टोरेज दी जा रही है। दोस्तों किचन से निकल के चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ, इसमें भी अभी लाइट इंस्टॉल नहीं हुई है मगर मैं इसी स्टेज में आपको दिखा रहा हूँ। अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो अप्रॉक्स 7x5 का ये वॉशरूम आपको मिलने वाला है, सारी ब्रांडेड फिटिंग्स इसमें आपको मिलने वाली है, ओवरहेड शावर मिलने वाला है आपको, वॉश बेसिन मिलने वाला है, सेपरेट बैथिंग एरिया मिलने वाला है, डाइवर्टर मिलने वाला है, एक आपको यहाँ पे ओपनेबल विंडो मिल जाती है और एग्जॉस्ट फैन भी बिल्डर इसमें आपको इंस्टॉल करके देंगे। दोस्तों कॉमन वॉशरूम से निकल के चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, और ये बेडरूम आपका बैल्कनी से भी कनेक्ट है। अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 13x10 का इसका साइज़ होने वाला है और काफ़ी अच्छा स्पेशियस बेडरूम आपको इस फ्लैट में मिलने वाला है। इसमें एक वार्डरोब दी जाएगी आपको जिसका डायमेंशन होने वाला है अप्रॉक्स 8x3.5 का और काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिल रहा है। आप देख पाएंगे वार्डरोब अभी ओपन स्टेज में ही है क्योंकि अभी इसके पल्ले लगना बाकी हैं, तो अभी आप देख सकते हैं इस वार्डरोब को। वॉल पे कलर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि किसी कस्टमर ने, जिस कस्टमर ने फ्लैट लिया है वो अपने अकॉर्डिंग कलर इसमें करवा रहे हैं। टीवी पैनल आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं और बेड आप अपना इस लोकेशन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं जैसा भी आपको सूट करे। एक ओपनेबल विंडो मिल जाती है ताकि वेंटिलेशन रूम का अच्छा बना रहे, विंडो एसी का प्रोविजन दिया गया है इसमें, फॉल सीलिंग वर्क बिल्डर करा के दे रहे हैं, सीलिंग लाइट्स इसमें बिल्डर लगा के दे रहे हैं आपको, और इस बेडरूम से कनेक्ट करती है आपकी बैल्कनी। दोस्तों अगर बैल्कनी के डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रोक्स का डायमेंशन होने वाला है 12x4 का, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको बैल्कनी एरिया मिल जाता है। एमएस की रेलिंग इंस्टॉल करके दी गई है और ग्रेनाइट का टॉप इसमें इंस्टॉल करके दिया जा रहा है आपको, काफ़ी अच्छी प्रीमियम लुक आपकी बैल्कनी की निकल के आ रही है, कलर के साथ ब्लैक कलर का रेलिंग वर्क पेंट करके आपको दे रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप अपना प्लांटेशन जो फ्लावर पॉट्स होते हैं वो रख सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग इस बैल्कनी को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। दोस्तों ये एक टू साइडेड ओपन प्लॉट है, पीछे भी इसके अप्रॉक्स 8 फुट की गली लगती है, तो दो बैल्कनी निकालने की कोशिश की गई है मगर पीछे की बैल्कनी आपकी यूटिलिटी बैल्कनी की तरह वर्क करेगी। दोस्तों इस फ्लैट का सेकंड बेडरूम होने वाला है और अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो 12x10 का साइज होने वाला है। 12x10 का जब साइज मैं आपको बता रहा हूँ तो उसमें ये स्पेस इंक्लूड नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये आपका एग्जिट करता है आपकी यूटिलिटी बैल्कनी की तरफ, और इसमें भी सीलिंग वर्क बिल्डर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से करा के दे रहे हैं। ये टीवी पैनल आप इस वॉल पे इंस्टॉल कर सकते हैं, डबल बेड आप अपना इस जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको काफ़ी एम्पल स्पेस मिल जाता है मूवमेंट के लिए। फिटिंग फिक्चर सारा ब्रांडेड होने वाला है, एक अटैच वॉशरूम इसमें आपको मिल जाता है जिसमें सेम ब्रांडेड फिटिंग्स होने वाली है। अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो अप्रॉक्स 5x4 का ये वॉशरूम का साइज़ होने वाला है, एम्पल स्पेस है। दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी यूटिलिटी बैल्कनी की तरफ। दोस्तों इस फ्लैट की यूटिलिटी बैल्कनी होने वाली है और इसमें आपको वॉशिंग एरिया दिया गया है, आप अपनी वॉशिंग मशीन इस एरिया में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन को बोलूँगा दिखाने के लिए बैल्कनी को। और यूटिलिटी बैल्कनी का फ़ायदा ये भी होता है कि आपका क्रॉस वेंटिलेशन बिल्डिंग में फ्लैट के अंदर बना रहता है, यहाँ पे भी आपको टाइल वर्क अच्छे से करके दे रहे हैं, उसके ऊपर चाहें तो आप ग्रिल वर्क भी कर सकते हैं और पूरा ग्रिल वर्क करके अपनी बैल्कनी को ब्लॉक भी कर सकते हैं सेफ्टी पर्पज़ से। दोस्तों पूरे फ्लैट का ओवरव्यू मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है, फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हो तो आप स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सस्ता घर से अपने क्वेश्चंस की क्वेरी कर सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे और कोई भी फ्लैट की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं जो होने वाली है www.sastaghar.in और वहाँ से भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं और उनकी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं फ्लैट में मिलने वाली एमिनिटीज़ के बारे में, बिल्डिंग में मिलने वाली एमिनिटीज़ के बारे में। दोस्तों बिल्डिंग में आपको एक गाड़ी की कॉमन कार पार्किंग लिफ्ट मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, यानी कि इस प्रॉपर्टी का प्राइस क्या होने वाला है और इसका टाइटल क्या होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टाइटल के बारे में। प्रॉपर्टी का टाइटल रजिस्ट्री का होने वाला है। जी हाँ, ये एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होने वाली है जिस पर आपको ईजिली फाइनेंस मिल जाता है NBFC के थ्रू। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के प्राइस के बारे में। दोस्तों ये 80 यार्ड्स का 2BHK फ्लैट टू साइड ओपन आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 45 लाख रुपए में। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, अभी सस्ता घर को कॉल कीजिए और अपनी विजिट लाइनअप कीजिए। तो मैं पुनीत बिष्ट अब आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, अगले सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।